जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। माक्षिस मास में होने वाले गुरुवार की जो पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, उसकी कथा ही दोस्तों। जब भी इस कथा को आप सुने तो हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर आपने फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री हरि। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। दोस्तों ये जो महालक्ष्मी व्रत की कथा, गुरुवार की जो कथा है, इसके श्रवण और पठन करने से सारे दुख दायित्व जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन की सारी मुरादें जो होती हैं वो पूरी होती है। माता लक्ष्मी के ना दोस्तों अनेक रूप होते हैं, जैसे भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। उन्हें प्रणाम करते हैं हम। और कैलाश पर्वत में माँ पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी और ब्रह्म लोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा और चंपक वैन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा और मल्टीयू में मालती, कुंदन वन में कुंद दंती और केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी, इन विभिन्न नाम से पहचानी जाती है माँ लक्ष्मी। इस तरह से सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की कथा का श्रवण हम करेंगे। दोस्तों ये जो कथा है ये भारत के सौराष्ट्र देश की और द्वापर युग की कहानी इस प्रकार से है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम की एक राजा राज्य किया करती थी। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था उन्हें और उनकी पत्नी का नाम था सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र हुए और एक कन्या भी उन्हें वरदान के रूप में मिली। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। और यही सब विचार कर श्री महालक्ष्मी जी एक बुढ़िया माई ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण कर ली और हाथ में एक लाठी ले ली। लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई, उसने उनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिकी मेरा नाम है कमला, मेरे पति का नाम है भुवनेश, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म एक वैश्या की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था, दारिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े हुआ करते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। तब वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी को दूर कर दिया। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में बुढ़िया माई से पूछा और माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज विभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो चुका था।
संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई कि बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बगुला होकर राजद्वार पर आ गई और बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण कर उनके द्वार आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन मास यानी कि माघशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मलाधर से उसका विवाह हुआ। धन दौलत ऐश्वर्य विभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। वहीं दूसरी ओर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने को रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने जाते ही दासों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब जब उन्हें मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार की दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी व्रत रखने पर उसे भी फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बीते। राजकन्या जो श्यामबाला थी वो अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। और उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और पति को परोस दिया। पति ने जब खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं लगा। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है और सुख संपत्ति शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा। दोस्तों, इस व्रत को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ में करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। अंतिम गुरुवार को
उद्यापन जो अवश्य ही करना चाहिए। पूजन विधि के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें दोस्तों, और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस कथा का लाभ उन्हें भी मिल सके। हो सकता है उनकी भी आर्थिक परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने जरूर से लिखना है जय श्री हरि। दोस्तों भगवान का नाम जपने और लेने से पूरे परिवार पर ईश्वर की कृपा जो है वो बनी रहती है, इसलिए दोस्तों आपने जरूर से लिखना है जय श्री हरि। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए, और दोस्तों शेयर करते रहिए। जय श्री हरी।